गणरायाचं आगमन झालंय आणि बाप्पाकडे एवढीच मागणी करेन की महाराष्ट्रावरचं दुष्काळाचं सावट दूर कर, राज्यकर्त्यांना महाराष्ट्रातल्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी लवकरात लवकर बुद्धी देऊन महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी जिथं दुष्काळ आहे तिथं दुष्काळ जाहीर करून त्यांच्या मदतीची सुरुवात करणं, महाराष्ट्रातल्या जनतेला पुढील संपूर्ण वर्ष विघ्नहर्ता म्हणून गणरायाची ख्याती आहे, कोणतेही विघ्न महाराष्ट्राच्या प्रगतीत येऊ नये एवढीच प्रार्थना गणरायाकडे मी आज करतो. सरकारला सुखकर्ता कामकाज सुरू होत आहे तर त्या निमित्तानं काय सांगा? आणि अशोक चव्हाण ट्विट पण केलेले आहेत त्याच्या संदर्भात. नवीन संसद भवन बांधलेलं आहे आणि त्यात नव्यानं प्रवेश संसदेच्या सर्व सदस्यांचा आज पहिल्यांदा होणार आहे. मला वाटतं की त्यासाठी सर्व संसद सदस्यांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. पूर्वीच्या वास्तूतून 75 वर्ष महाराष्ट्राच्या जनतेचे अनेक प्रश्न मांडण्याची संधी अनेकांना हजारो संसद सदस्यांना वेळोवेळी मिळाली. काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? ओएसिस फर्टिलिटीने आता 90,000 जोडप्यांचं आयुष्य आनंदाने भरलं आहे. आजच कॉल करा 78 25 89 36 00 वर आणि मिळवा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वर सूट आणि सर्वांना द्या आनंदाची बातमी. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या पासून आजपर्यंत त्या संसद भवनाचा एक वेगळा इतिहास होता. आता नव्या संसद भवनात प्रवेश होतोय. मला खात्री आहे की यातही भारताचे भावी सर्व येणारे सांसद योग्य त्या दिशेनं भारताच्या जनतेला जगाच्या पाठीवरचं एक प्रबळ राष्ट्र, सर्वोत्तम राष्ट्र म्हणून देण्याचा प्रयत्न करतात. महिला आरक्षणाचा प्रश्न आहे, महिला आरक्षणाचा एक सल्ला देणार आहात का सरकारला सुखकर्ते होण्यासाठी? काय सल्ला? केंद्रामध्ये जे महिलांच्या आरक्षणासंदर्भात एक प्रस्ताव देखील आज घेऊन येत आहेत, कारण की संसद नवीन संसद भवनामध्ये महिला आरक्षणाचा मुद्दा देखील घेऊन येत आहेत. महिलांच्या आरक्षणाची भूमिका या देशात पहिल्यांदा जर कोणी मांडली असेल तर महाराष्ट्राचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री शरद पवार साहेबांनी. 30% आरक्षण त्यांनी देऊ केलेलं, त्यानंतर 33% राजीव गांधींनी पुढाकार घेऊन घेतलं. मधल्या काळात महाराष्ट्रात आपण 50% स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण महिलांना दिलेलं आहे आणि आता संसदेमध्ये आरक्षण 33% होतं आहे. त्यात देशातल्या लोकसभेत आरक्षण आहे, विधानसभेत आहे की नाही मला माहीत नाही, पण संसदेच्या पर्यंत जरी ते मर्यादित असेल मला नक्की माहीत नाही. उद्याच कळेल आपल्याला नक्की ज्यावेळी आरक्षण बिल मांडलं जाईल, तर त्यावेळी त्याचं स्वागत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने शरद पवार साहेबांचे महाराष्ट्रातले आणि देशातले सगळे कार्यकर्ते नक्की करतील. अशोक चव्हाण बाप्पाच्या आगमनानंतर आता राज्यातली जी सगळी राजकीय कटुता आहे ही सगळी कुठेतरी दूर व्हावी आणि दादा असतील किंवा तिकडे उद्धव ठाकरेंचे असतील मार्गी लागावे असं काय? गणरायाची सर्वात मोठी ख्याती त्याच्या बुद्धिमत्तेवर आहे. बुद्धीसाठी गणपती सर्वांना ज्ञात आहे, ती सुबुद्धी सर्वांना सर्व महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांना देव. फोडाफोडीच्या राजकारणापेक्षा प्रगतीच्या राजकारणाकडे राज्यकर्त्यांना बघण्याची सुबुद्धी यावर्षी गणरायाने द्यावी त्याची फारच गरज आहे अशी मला खात्री आहे. अशोक चव्हाणांनी ट्विट केलेले आहेत मराठा आरक्षण संदर्भात आणि गोपीचंद पडळकरने पण काल ट्विट केलं होतं त्याच्या धनगर आंदोलन संदर्भात आरक्षण संदर्भात, त्याच्याबद्दल काय बोलले? महाराष्ट्रातले हे मराठा आरक्षण असो धनगर आरक्षण असो हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आणि संसदेचं विशेष अधिवेशन जर बोलवलं जात असेल तर अशा प्रश्नांची देखील त्यात चर्चा होणं आवश्यक होतं. त्यामुळे अशोक चव्हाण साहेब म्हणतायत ते काही चुकीचं नाही, याची देखील खरं म्हणजे ही संधी होती. महाराष्ट्रात हे प्रश्न ज्वलंत झालेले आहेत, ऐरणीवर आलेले आहेत, ते प्रश्न सोडवण्याची संधी घटनेत दुरुस्ती करून राज्यकर्त्यांना दिल्लीच्या मिळालेली होती. 4 दिवसाचं अधिवेशन शिल्लक आहे, पाहू काय करतात. सर राजकारणामध्ये एक टीका टिप्पणी होत असते, त्यामध्ये जर गोपीचंद पडळकर असेल आणि वडेट्टीवारांनी देखील काल अजित पवारांची टीका केलेली, कसं बघता त्या टीकेकडे पाहता? कारण अजित पवारांनी वाघ म्हणून वावरायचं की अजित पवारांनी वाघ म्हणून वावरायचं की लंडगा म्हणून वावरायचं अशा शब्दात जी टीका आहे ती वडेट्टीवारांकडून पाहायला मिळते. मी दोघांची टीका ऐकलेली नाही, माझ्या पाहण्यात आलेली नाही. आज गणपती बाप्पा का आगमन हुआ है, किस तरीके से राज्य की परिस्थिति को देखते हुए आपने? गणपति बाप्पा का आगमन हुआ है और आने वाले 10 दिन महाराष्ट्र के और देश के काफ़ी इलाकों में जहां गणेशोत्सव मनाया जाता है वहां के लोग इतनी प्रार्थना करेंगे कि हमारे राज्य के हो या देश के राज्यकर्ता हो
देश की तरक्की तरफ तरक्की के तरफ लेने की कोशिश जाने की कोशिश उनके माध्यम से होगी। हमें अपेक्षा है कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ अनेक प्रश्न हैं, प्रश्न छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे हमारे राज्यकर्ता इन दिनों में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कई इलाकों में सूखा है और सूखे के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता है, यानी कि लोगों को मदद की आवश्यकता है, सूखा घोषित करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमारी महाराष्ट्र की सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही। हमारी लगातार मांग है, महाराष्ट्र में अनेक प्रश्न हैं, उस सारे जेन्युइन जो प्रश्न हैं उसको बगल में छोड़ के कई और प्रश्नों के ऊपर हमारे सरकार के राज्यकर्ताओं का महाराष्ट्र में ध्यान है। हम जिस तरीके से नई संसद का आज लोकार्पण हो रहा है, वहाँ पर आज से कामकाज शुरू होगा, कैसे देखते हैं महिला आरक्षण बिल कैबिनेट में मंजूर हो गया, इन दोनों चीज़ों को? महिला आरक्षण के बारे में इस पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला कदम हमारे आदरणीय नेता शरद पवार साहब ने रखा था और उन्होंने महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में, जब वो खुद चीफ मिनिस्टर थे, तभी 30% महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की। उसके बाद में 50% भी करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया था महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार बीच में थी। उसके बाद में अभी केंद्र में भी महिलाओं के आरक्षण का बिल आ रहा है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से इसका स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि भारत में संसद में 30% महिला जाएंगी तो भारत में, भारतवर्ष में जो आज पीड़ित महिलाओं के प्रश्न हैं वो प्रश्न सुलझाने के लिए ज़्यादा वो आवाज़ सामने रखेंगे। नई संसद का भी आज कामकाज वहाँ शुरू हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? पुराने संसद में 75 साल का इतिहास है, बहुत कुछ पुराने संसद का इतिहास अगर आप पीछे देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से यहाँ तक कई लोगों ने उस संसद से इस देश के, जब हमारा देश बहुत कम फाइनेंशियली बहुत वीक था, जब 1948, 49, 50 ये साल बहुत कठिन परिस्थिति के थे, तभी भी जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन इस देश को किया और इस देश की तरक्की के जो बेसिक काम थे वो सब जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम में हुए। आज 75 साल का इतिहास उस संसद को है। आज उसके बाद में नए संसद भवन में जाने का निर्णय हुआ है। मैं अपेक्षा करता हूँ इस नए संसद भवन से भी इस देश को तरक्की की तरफ लेने के लिए आने वाले हर राज्यकर्ता और हमारे सारे सांसद कोशिश करें। अशोक चौहान ने जो ट्वीट किया है कि अगर दूसरे आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है संसद का, तो मराठा आरक्षण के लिए क्यों ना? अशोक चौहान जी सही कहते हैं, अगर हमारे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा ये अहम मुद्दा हो गया है, अभी बहुत जगह आंदोलन हो रहे हैं और बार बार 50% से आगे जाके मराठा समाज को आरक्षण देने की आवश्यकता सब कहते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि केंद्र में भी घटना में कुछ तब्दीलियां करके ये 50% से आगे जाने वाला आरक्षण वो दे सकते हैं। अब सारे चीज़ों के लिए सांसद स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है तो मराठा आरक्षण के लिए क्यों नहीं बुलाया जा सकता, ये अशोक चौहान जी का कहना है और वो दुरुस्त है। मुझे लगता है कि इसका भी इस प्रश्न के ऊपर भी केंद्र सरकार ने और सांसद ने विचार करने की आवश्यकता है। कल हमने देखा कि राहुल नार्वेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप देरी नहीं कर सकते, आप विलंब नहीं कर सकते, एक हफ्ते के अंदर आप हमें डेडलाइन बताइए कि आप किस तरीके से सुनवाई करेंगे, गंभीर मुद्दा लगता है आपको क्योंकि अभी सुनवाई शुरू की? ये बहुत गंभीर है, 6-7 साल हुए, 6-7 महीने हुए, 1 साल से लगातार इसके बारे में चर्चा हो रही है और जिनके ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है वो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में न केवल सत्ता में बैठे हैं, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है, उनमें से एक विधायक, और इसीलिए ये हम लगातार शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के तरफ से ये कहा जाता है कि ये सरकार बेकायदा है और इसीलिए जल्द से जल्द इसका निर्णय होने की आवश्यकता थी। हम अपेक्षा करते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष इसमें जल्द से जल्द निर्णय लेते,
यह अपेक्षा पहले ही थी, हमें लगा कि रीजनेबल टाइम यानी 2 महीना 3 महीना हो सकता है, इन कई महीने बीत गए, अब नया नई इलेक्शन का टाइम नजदीक आने लगा, फिर भी इसके ऊपर अगर निर्णय नहीं होता तो ये बहुत गंभीर बात है। एक मामला तो आप लोगों ने भी दाखिल कर रखा हुआ है, अगर पहले ही मामले में इतना वक्त अगर नार्वेकर ले रहे हैं, अध्यक्ष ले रहे हैं, तो लगता है आपका मामला आता है तो इलेक्शन लग ही जाएंगे, और ये जानबूझकर कहीं रणनीति का हिस्सा है, शायद हो सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आने के बाद उन्होंने टाइम बाउंड प्रोग्राम रखने के लिए उनको कहा है, हम अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द राहुल नार्वेकर साहब इसके ऊपर विचार करेंगे, आने वाले 1 महीने में 1.5 महीने में इसका निर्णय कर ही रहेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा है, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष उसको इमीडिएट एक्शन में उसका रूपांतर करेंगे। आपको लगता है एक तरफ जहां शिवसेना की ये सुनवाई चल रही है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, पैरेलली आपने जो पिटीशन दाखिल किया उस पर भी सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए, अब तक ये आपकी मांग, जल्दी जल्दी उस पर भी फैसला हो। हमने जो सुनवाई के लिए लेटर दिया है, मैं एक बार राहुल नार्वेकर साहब से मिला हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि हम जल्द से जल्द इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, हमें उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से 6 अक्टूबर की तारीख दी है आप लोगों को अपना जो भी कहना है रखने के लिए, लगता है आप लोग के साथ जो एक बातचीत उसके आगे करने की जरूरत थी, आप लोग को पूछा जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है, आपको सिर्फ तारीख, शरद पवार साहब ने जो उनको खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उसमें जाहिर उन्होंने लिखा ये है कि हमारे पार्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं है, कभी जो लोग हमारे से बाजू में गए हैं उन्होंने कभी कुछ ऑब्जेक्शन किसी को नहीं लिया, किसी प्रोसीजर को नहीं लिया, और अचानक ये हो रहा है तो ये डिस्प्यूट के बात नहीं हो सकती, और इसीलिए अगर आपको आप अगर मौका दे तो हम आपके सामने हमारी सारी चीज़ें सामने रख सकते हैं, ऐसी विनती शरद पवार साहब के तरफ से इलेक्शन कमीशन को की गई थी, उसके बावजूद भी अचानक उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि दिस इज़ अ डिस्प्यूट और डिस्प्यूट के लिए 6 तारीख को आइए, इसका मतलब प्रेजुडाइस माइंड है क्या, ऐसे भी कुछ लोग सोच सकते हैं। हमें अपेक्षा है कि इलेक्शन कमीशन ने पवार साहब को उनकी बाजू सामने रखने के लिए एक मौका देने की आवश्यकता थी। आपको कहीं ना कहीं लगता है क्या कि जैसे पहले ही एक सार्वजनिक सभा में प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया था कि सितंबर के आखिर तक चिन्ह और नाम तो हमें ही मिलना है, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इसको सबके मन में यही शंका है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, और इसीलिए हमारी शरद पवार साहब ने जो कहा है उसको हियरिंग देने की आवश्यकता थी, वो हियरिंग न देते हुए डायरेक्ट उन डेट ही दे दी कि 6 अक्टूबर को आइए, इसका मतलब आप जो कहते हैं उसमें कुछ दम है। आखिरी सवाल ये कि पडलकर जिस तरीके से वक्तव्य करते हैं, सरकार में अजीत दादा तो शामिल है, बावजूद इसके इस तरीके वक्तव्य होते हैं बिल्कुल बिलो द बेल्ट, कई बार हम राजनीति में जिसे कहते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, मैं उनका वक्तव्य पढ़ा नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ। कहीं दोन मराठी प्रश्न, एक म्हणजे रिजनेबल टाइम बाउंड बद्दल सांगण्यात आलं, त्याच्यावरती आता असं झालं की अध्यक्षांचीच बाब संपूर्ण गंभीर आहे, त्यांनी आतापर्यंत रिजनेबल टाइमचं मार्गी लावायला पाहिजे होतं असं म्हटलं आणि त्यांच्यावरतीच ताशेरे एका प्रकारे उडलेत असं दिसतं। रिजनेबल टाइमचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये अशी सुप्रीम कोर्टाची अपेक्षा दिसते, आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट अजूनही याच्यावर काही ॲक्शन नाही, फक्त नोटिसा दिल्यात असं लक्षात आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने आपली मतं काल व्यक्त केलेली आहेत। मला वाटतं राहुल नार्वेकर साहेब त्याच्यावर नक्की विचार करतील आणि लवकरात लवकर पुढच्या तारखा देऊन हा प्रश्न निकालात काढतील। शिवसेनेनंतर तुमची सुद्धा सुनावणी येणार आहे का पाईपलाईनमध्ये, कारण तुम्ही सुद्धा नोटिसा पाठवल्या करतील ना? मी स्वतः भेटून त्यांना पूर्वीच विनंती, विधानसभेचं अधिवेशन चालू असताना केलेली आहे, मला त्यांनी आश्वासित केलेलं आहे की आम्ही याच्यावर लवकरात लवकर तुम्हालाही मी कारवाई सुरू करू। पार्टी स्प्लिट नाही याबद्दल तुम्ही शुअर होता, पण तरी सुद्धा इलेक्शन कमिशनने ज्या पद्धतीने सांगितलं की आता तुम्ही यावं आणि 6 ऑक्टोबर पासून आपण सुनावणी करतोय, इजंट इट कॉन्ट्राडिक्टरी? कॉन्ट्राडिक्टरी आहे आमच्या पवार साहेबांचं म्हणणं, त्यांनी पवार साहेबांनी जे उत्तर दिलं त्यात सांगितलेलं की कोणताही डिस्प्यूट नाही आहे आणि मला कोणीही यापूर्वी विरोध केलेला नाही, जाहीरपणाने माझ्या धोरणांना विरोध केलेला नाही, कधीही कोणत्याही परिस्थितीत कुणी वेगळा सूर देखील काढलेला नाही,
माझी निवडणूक सर्व हजारो लोकांच्या उपस्थितीत झालेली आहे. सगळेच मुद्दे पवारसाहेबांनी मांडलेले होते आणि सांगितलेलं होतं की डिस्प्यूट नसल्यामुळं तुमच्याकडं जे काही पत्रव्यवहार झाला आहे त्यावर आम्ही तुम्हाला येऊन भेटू इच्छितो, आम्हाला वेळ द्या. की वेळ न देता हा डिस्प्यूट आहे हे फायनल करणं हे मला वाटतं अन्यायकारक आहे. हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.